लोग कहते हैं कि जिनके हाथ बहुत कोमल होते हैं ना, उनके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी रचती है। वो तो है तिवारी जी, मेरे हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी रचती है। मेरा हस्बैंड भी वो मुझसे प्यार जो इतना करता है। लेकिन ये लगाने वाले पर भी निर्भर करता है कि वो कैसी लगा रहा है। हाँ, of course. जी। वो तो ठीक है, लेकिन आप लगा क्या रहे हैं? जी जी, मेहंदी लगा रहे हैं बस आप। डिजाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तिवारी जी। जी जी, आप एंड रिजल्ट देखिएगा। तिवारी जी, तिवारी जी, बाप जी आप डिस्टर्ब कर रही हैं। आंख बंद कीजिए, बंद कीजिए आंख। लीजिए, बन गया भाभी जी। बन गई पूरी डिजाइन? बन गई बिल्कुल भाभी जी। तिवारी जी, आपने मेरे हाथों में बैंगन बना दिया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आखिर आपने अपना जॉब ढूंढ ही लिया, काम वाली बाई। जी क्या बकवास कर रहे हैं आप? है? अच्छा जी, ये बगल में झाड़ू पड़ी है, हाथ में पोंछा ले रखा है, तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि आप सिविल इंजीनियर हो गए? ये झाड़ू पोंछे का काम मैं नहीं कर रहा था, भाभी जी कर रही थी। शी वॉज डूइंग इट। मैं तो बाहर से आया और मुझे चक्कर आ गया, और चक्कर आके पसीना आया, और बस मैं पसीना पोंछने के लिए बस मैंने ये उठाया ही था। अच्छा, तो मतलब आप इस पोंछे से पसीना पोंछ रहे थे। अच्छा खैर, आपके पास तो रुमाल तक खरीदने के पैसे नहीं है, क्या करें? अका हुआ लड्डू के भैया, किससे बात कर रहे हैं? अभरवती जी, आप? अभी बस अभी आया, बस जस्ट नाउ। अंगूरी देखो ना, ये बेचारे भभूति जी का समय बहुत खराब चल रहा है। अका कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं बस। अरे अंगूरी से काहे शर्मा रहे भाई? वो क्या ना अंगूरी, इनके पास रुमाल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बेचारे इस पोंछे से अपना पसीना पोंछ रहे थे। बताइए हदिया, भरपति जी उससे काहे पसीना पोंछ रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। लगता है भाभी जी अपना रुमाल लेने गई मेरा पसीना पोंछने के लिए। ओ जनाब, क्या सोच रहे हैं? अब पोंछे से पोंछिए ना पसीना, क्या कर रहे हैं? पोंछिए, लीजिए ये पोछे से पसीना पोछिए, इसे अपने पास ही रखिएगा। भाभी जी भी कितनी मासूम, रुमाल की जगह पोछा उठा के ले आए। पोछिए ना, पोछिए जल्दी। भाभी जी, ये तिवारी जी हैं जो धूप से आए हैं, देखिए पसीने पसीने हो रहे हैं। मैं आपका पसीना पूछता हूँ, इधर आइए। क्या क्या कर रहे? नहीं बैठिए, क्या कर रहे? नहीं बैठिए, आप बैठ के पसीना पूछता हूँ। अरे क्या कर रहे? अरे तू अभर बती जी, क्या कर रहे हैं आप? पसीना पूछ रहा भाभी जी। आले डुकी भैया, हम पूछेगा आपका पसीना। अरे यार, इतना मिस तो हमने कभी भाभी जी को नहीं किया जितना गरम गरम गोल गोल रोटियों को कर रहे हैं। ये रोटियां हमें चांद और तारों की तरह लग रही हैं। क्या करें? क्या करें, कैसे इन रोटियों पर से अपना ध्यान हटाएं? ओ लड्डू के भैया, क्या हाल चाल? आ,
क्या बात है लड्डू के भैया, आप बहुत बेचैन लग रहे हैं, आप भूख लगी है का? अब भूख लगी है तो आप व्रत तोड़ दीजिए ना। अरे नहीं नहीं पगली, व्रत का है तोड़ दे, हम तुमसे तो प्यार करते हैं, व्रत तोड़ दे। एक काम करो पगली, हमें कोने कहानी सुनाओ। कहानी? कौन सा कहानी सुनोगे? कोई भी कहानी सुनाओ जिसमें हमारा ध्यान लगे। ठीक बा, सोचते हैं। सोचो सोचो। राजा रानी की कहानी सुनाएगा? हाँ, वो कॉस्ट्यूम ड्रामा हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक बा, एक राजा होता है और उसकी एक ही रानी होती है। हाँ, उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन का है ना, उनको बच्चा ना ही होता है। ओहो। तो वो क्या करते हैं पता है, एक अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं। अच्छा है। और फिर बच्चे को घर ले आते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? और जैसे ही बच्चे को घर लाते हैं, वो बहुत बड़ी दावत देते हैं। हाँ, और दावत पे का पकवान बनाते हैं पता है? अरे अरे, भूख के मारे हमारा पेट पकोड़ा हुआ जा रहा है, क्या करें, कैसे अपनी भूख को शांत करें? भगवान का नाम लेते हैं। श्याम तेरी भिंडी को खाने से काम, श्याम तेरी भिंडी। अरे यार, ये मुंह से ये श्याम तेरी बंसी की जगह भिंडी क्यों निकल रहा है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक से भगवान का नाम लेते हैं। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, मीरा का भी आम वो तो मीरा का भी आम। अबे यार, ये श्याम की जगह आम क्यों निकल रहा है मुंह से? उफ़, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है बे? तू किससे बात कर रहा है बे? मैंने उसको फोन किया है बे, जिसका दाल भंडी में कच्चे बनियान का खोखा है बे। अबे ठीक से नहीं बोल सकता कि सेठ मनमोहन तिवारी से बात कर रहा है बे? अबे सेठ काहे को बोलूं बे, तू सेठ कहाँ रह गया बे? क्या बकवास कर रही है बे? बस सही बोल रहा हूँ बे, जिस कच्चे बनियान के खोखे में तू उतराता फिरता, सेठ बना फिरता है ना, उस खोखे में आग लग गई है। अबे क्या बकवास कर रहा है बे? बस सही बोल रहा हूँ बे, तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, बस दौड़ के अपनी दुकान बजा ले, तेरे पास 5 मिनट है, नहीं तो तेरा खोखा ना जल के राख हो जाएगा, और तू मनमोहन तिवारी की जगह मनमोहन भिखारी हो जाएगा बे। अबे नहीं, तू ही आग बुझा दे बेटा। तुझे क्या, मैं फायर ब्रिगेड दिखता हूँ, बुझा ले अपना खोखा, चल निकल ले बे। अबे लड्डू और ला है गरम गरम पुरिया बना के, अब तुम खाओ ना लड्डू, काहे खा नहीं रहे हो, इतना कम काहे खा रहे हो, ई लो। अरे भाभी माँ, आप रहने दीजिए, हमें खाता हुआ देख भैया की लाल टपक रही है। क्या बकवास कर रहा है बे? लड्डू के भैया आप कहाँ गए थे? अरे अब क्या बताएं अंगूरी, हमारे साथ पता नहीं किसी कमबख्त ने भद्दा मजाक किया कि हमारी शॉप में आग लग गई है, कमबख्त एकदम से दौड़ के जाना पड़ा। भैया दौड़ के गए थे? हाँ। फिर तो भूख भी लगी होगी। हाँ। क्या बात कर रहे लड्डू के भैया, आप एंग्री हैं? भाभी मामा हंग्री होता है। सही पकड़े हैं। आपको बहुत भूख लगी है का? नहीं पगली, भूख कहाँ से लगेगी? क्यों झूठ बोल रहे हैं भैया, हम आपकी आंखों में साफ साफ देख रहे हैं, सिर्फ भूख ही भूख है। ऐसा ना ही बोलो लड्डू, आज तुम्हारे भैया को बहुत अच्छा कंट्रोल करना आता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।